welcome back to my channel and welcome back to the another video. Today I'm going to do a pink hint makeup video. So first I'm using this good vibes aloe vera gel as a primer. ये बहुत ही अच्छा primer है, skin को बहुत अच्छे से prep करता है और इसका price only 55 और 25 के अंदर ही कुछ मिल जाता है. ये traveling pack में आता है और ये जो भी आप product लेते हो good vibes के purple से उसके साथ आपको ये फ्री मिलता है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये YNY बेक का फाउंडेशन एंड कंसीलर स्टिक. इज़ अ वेरी पिगमेंटेड एंड वेरी सॉफ्ट एंड वेरी क्रीमी ऑन स्किन. मेरा जो सेड है आई थिंक लाइट बीज है एंड आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो सेड. और पर्पल में हमेशा ऑफर्स रहते ही है और ये अंडर 100 रुपीज़ है तो आपको अच्छा, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगी बिगिनर्स के लिए. और इसको मैं नेक में भी अप्लाई कर दूंगी. उसके बाद मैं ले रही हूँ ये फ्लैट फाउंडेशन ब्रश MYN का, जो कि बहुत ही अगेन अफोर्डेबल है. अंडर 300 रुपीज़ में आपको पूरा 10 ब्रश सेट मिल जाएगा. इससे मैं अच्छे से अपने नेक एंड फेस को ब्लेंड कर दूंगी. देन मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग कंसीलर फ्रॉम NY बे. इट्स अ लिक्विड कंसीलर. ये भी आपको 225 के रेंज के अंदर मिल जाएगा. सो इसके हेल्प से मैं अपने सारे आईज़ को अच्छे से कंसील कर दूंगी. देन मैं एक कंसीलर ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. कंसीलर के बाद मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ ये फेसेस कैनेडा की वेटलेस मैट कॉम्पैक्ट के साथ. इसमें SPF भी है और ये अंडर 200 रुपीज़ में आ जाती है. सो इट्स अ बिग थम्स अप फॉर द बिगिनर्स एंड इट्स वेरी गुड कॉम्पैक्ट फॉर द डेली यूज़. सो कॉम्पैक्ट को सेट करने के बाद मैं अपने ब्राउज को सेट करूँगी. फॉर द ब्राउज आई एम टेकिंग दिस हिलारी रोडा का आईब्रो पेंसिल 2-in-1. एक तरह से स्पूली आता है तो मैं पहले स्पूली कर दूंगी अपने आईब्रोज को, देन अपने नेचुरल वे में ही अपने जो आईब्रो के साइज के अकॉर्डिंगली मैं उसको पेंसिल साइड के साथ फिल इन कर दूंगी. उसके बाद मैं ले रही हूँ ये आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैं एक डीप पिंक पर्पली शेड ले रही हूँ फॉर माय क्रीज. उसके लिए मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ जो कि है MYN से अगेन. और ये आई ब्लेंडिंग ब्रश है, बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश है. आपको क्रीज को अच्छे से ब्लेंड करता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है. और ये कलर भी बहुत अच्छा मैच कर रहा है मेरे ड्रेस के साथ. अकॉर्डिंगली दैट मैं अपने दूसरी आईज में भी ऐसे ही ब्लेंड कर दूंगी. उसके बाद मैं एक सीमर गोल्डन शेड ले रही हूँ, जिसको मैं सिर्फ अपने आईलिड के एरिया में ही एक फ्लैट ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर दूंगी पूरे आईलिड में. उसके बाद मैं ले रही हूँ ये लाइनर जो कि लैक्मे से है, लैक्मे इंस्टा लाइनर. ये अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा. उसके साथ मैं क्या करूँगी, अपने आईज में एक मीडियम साइज का विंग लाइन ड्रॉ करूँगी. आज सिंपल एज यू नो हाउ टू ड्रॉ. अगर आपको हाउ टू अप्लाई लाइनर की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हो. एंड लाइनर के बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्करा, जो कि है ब्यूटी पीपल सेलिब्रेट ब्यूटी एवरीडे का ब्रांड से, जो कि आपको ऑरेंज समथिंग वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और उनके ओन ब्रांड में मिल जाएगी और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इसमें सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कीजिए एंड आपको सारे के परचेज लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल इन द सेट ब्लैक. मुझे ब्लैक काजल और लाइनर बहुत पसंद है गाइस. सो मैं ये कलर के अलावा और कोई ट्राई नहीं किया अभी तक. अगर आप चाहते हो कि मैं ट्राई करूँ तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा. देन आई एम अप्लाइंग द ब्लश फ्रॉम सुगर. दिस इज द सेट 202 पिंक पिनाकल. इट्स अ वेरी गुड ब्लश. बहुत कम अप्लाई करोगी तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कम प्रोडक्ट भी आते हैं. उसके बाद मैं फैन ब्रश ले रही हूँ. उसके बाद मैं ये स्विश ब्यूटी का हाइलाइटर ले रही हूँ. वो सारे कलर को मिक्स करके मैं अपने चिक्स पे, नोज पे, क्यूपिड्स पे और फोरहेड पे लगा दूँगी. उसके बाद मैं ये गुड वाइब्स का फेस मिस्ट यूज़ कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं एक ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी.
उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोड़ा का लिपस्टिक इन द सेड 34 आई थिंक, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा पिंक इज पर्पली शेड है। दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस लुक, एंड अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड जो पास में रेड बटन है उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड पास में बेल आइकन दबा के इस चैनल के सारे वीडियो पहले एंजॉय कीजिए। सो मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक रहती हूँ।